देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ जुटी थी। भीड़ के मुताबिक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी। अमूमन यह पहली बार हुआ है कि मंदिर में श्रद्धालुओं के खोए हुए सामान को लेकर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता किया। पुलिस के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह से लेकर परिसर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर थी। पुलिस की तत्परता के कारण भक्तों के कई सामान जिसमें कान की बाली से लेकर मोबाइल और पैसे भी मिले हैं। पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी दी है ताकि भक्तों को उनके सामान लौटाए जा सके। देवघर से अवनीश। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व था जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा महादेव का दर्शन, जलार्पण और स्पर्श पूजा करने के लिए बाबा मंदिर आए थे। उसके एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक कई श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया और स्पर्श पूजा की। लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि के अवसर पर इस बार पूजा किया है। कोविड-19 के बाद यह सबसे बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई थी। पुलिस के लगभग 2000 पुलिस पदाधिकारी और पुलिस जवान इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए तैनात थे। साथ में कई मजिस्ट्रेट भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। ATS और NDRF की टीम भी इसमें लगी हुई थी। यह पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार मंदिर परिसर में कोई चोरी और छिनतई की घटना नहीं हुई। 6 मोबाइल, 1 मंगलसूत्र, 1 कुंडल और 1 पायल जो दर्शनार्थी आए थे, श्रद्धालु आए थे, उनका खो गया था। ज़्यादातर वस्तुएं गर्भगृह में गिरी हुई मिली थी। पुलिस पदाधिकारी और मंदिर के कर्मियों के द्वारा इसे जमा कराया गया था। अनाउंसमेंट करने के बाद इतने सामान के उनके क्लेमेंट आकर लेकर गए हैं। अभी भी प्रशासन के पास 2 मोबाइल, 2 पर्स और 2 घड़ी जमा है। उनके क्लेमेंट नहीं आए हैं। अगर उनके भी क्लेमेंट आते हैं, उनके धारक आते हैं, तो उनको भी यह वापस कर दिया गया था। मंदिर परिसर में 4 संदिग्ध घूमते दिखाई दिए गए थे। पुलिस के द्वारा उसे स्पॉट ऑन किया गया, उनसे पूछताछ की गई है। कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर वर्तमान में उसे PR बॉन्ड पे छोड़ा गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जितने भी पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, मजिस्ट्रेट, मंदिर प्रशासन के लोग लगे हुए थे, देवघर की जनता और श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित ढंग से यह पर्व संपन्न होने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बधाई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।